हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं टेक्निकल सीखिए। तो चलिए टेक्निकल सीखिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जिली ऐप पर आप कैसे इसमें प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, कैसे अपना नाम चेंज कर सकते हैं और कैसे अपनी आईडी चेंज कर सकते हैं और कैसे आप उसमें जीमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। तो आपको तो पता ही होगा जिली ऐप कितना ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप इस पर अपनी वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी जल्दी आप वायरल हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐप ट्रेंड में और इसमें आप जितनी जल्दी इसमें वीडियो डालना चालू करेंगे उतनी जल्दी आपकी वीडियो वायरल होंगे और आप एक अच्छे खासे पॉपुलर क्रिएटर बन सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी के ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे कि इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं आपको जो स्टेप बताऊं वो आपने फॉलो करने हैं। आप आसानी से अपनी प्रोफाइल और अपना नाम और अपनी आईडी कैसे चेंज कर सकते हैं वो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सिंपली आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपने इस एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करके बताता हूँ मैं। एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, एप्लीकेशन ओपन हो गया है, उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो आप इसमें अपना नाम, प्रोफाइल पिक और जीमेल एड्रेस जब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जब इस पर आपका अकाउंट क्रिएट होगा। अगर आपका अकाउंट क्रिएट है तो सिंपली आप प्रोफाइल पर क्लिक करिए नीचे की तरफ। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडिट, तो एडिट पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन आपको दिखेगा चेंज प्रोफाइल, तो आप जैसे इस पर सिंपली क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन पूछेगा, तो सिंपली आपने अपनी गैलरी पर क्लिक करना है। जैसे आप गैलरी पर क्लिक करेंगे आपके गैलरी में जो भी आपके फ़ोटो हो आपका अच्छा सा वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कर दी जिस फ़ोटो आपका यहाँ पर सेट हो गया है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपका निकनेम, जो भी आपको अपना नाम अपनी आईडी पर शो कराना वो आप यहाँ से अपने निकनेम पर लिख सकते हैं। तो उसके बाद उसमें दिया हुआ आईडी, वो जितने अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको अपनी आईडी बनाना हो वो आप यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में दिया होता है जेंडर, अगर आप मेल हैं तो मेल पर टिक कर दिए, अगर आप फीमेल तो फीमेल पर टिक करिए। उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो है इंट्रोडक्शन। इस अपनी आईडी पर एक आपको अच्छा सा प्यारा सा एक इंट्रोडक्शन भी देना जरूरी होता है, जिससे कि आप एक अच्छे क्रिएटर लग सके। इसके बाद होता है जीमेल, यहाँ से आप अपनी जीमेल आईडी को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है, अगर आपका फ़ोन नंबर से अगर आपकी आईडी लॉगिन नहीं होती तो आपकी इस जीमेल आईडी से भी ये लॉगिन हो जाएगी। तो इस तरीके जो भी आपकी जीमेल आईडी हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये सब डालने के बाद आप यहाँ पर ये सब कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी प्रोफाइल थोड़ी लोगों को अच्छी लगे और आपको भी अच्छी लगी। तो इन सब की मदद से आप आसानी से अपनी प्रोफाइल को इतनी अच्छी तरीके से बना सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। ये सब प्रोसेस हो जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक कर दिया। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक कर दें, जो भी आपका जो आपने सेव कर रखा जो भी आप उस पर डालना चाहते हैं वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमें एक लाइक कर दीजिए, अगर हमसे कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम आपके लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो आते रहते हैं। मिलती है एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।